नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर पौड़ी से है। आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान मानचित्रों को लेकर आ रही समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा की गई। आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे के ने निर्देश दिए हैं कि मानचित्रों को लेकर जो समस्या आ रही है नियमों के तहत उनका समाधान किया जाए। इसके साथ ही कहा कि जो लोग बिना भवन मानचित्र पास किए ही निर्माण कर रहे हैं उन पर भी नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। संवाददाता वीरेंद्र रावत की खास रिपोर्ट। आज मैंने जिला विकास स्तरीय विकास प्राधिकरण होता है उसकी बोर्ड की मीटिंग आहूत की थी और उसकी 15 डेज बिफोर उसकी नोटिसेज जारी कर दी गई थी। उसी क्रम में आज यहाँ बैठक हुई थी। मुख्य रूप से ये बैठक काफी लंबे समय बाद हुई है। बड़े आश्चर्य का विषय है कि इतने दिनों से बैठक हुई क्यों नहीं थी, कई साल हो गए थे। पहले इस मीटिंग में देखा गया कि जो लास्ट बैठक थी उसमें कंप्लायंसेस की भी स्थिति ये है कि कई मामलों में केवल एक औपचारिकता जैसी की गई कि शासन को पत्र भेज दिया गया लेकिन उसका कोई रिव्यू नहीं किया गया, तो उसको काफी गंभीरता से लिया गया है। इसके अतिरिक्त इस बार के बोर्ड में कुल मिलाकर 15 एजेंडे थे और सभी पर विस्तृत विचार विमर्श कर लिया गया है। मैक्सिमम जो इश्यूज हैं वो हैं लोगों के जो भवन के नक्शे नहीं पास हो पा रहे, उसका रीजन ये है कि जो लैंड यूज है वो डिफरेंट है और ये आवासीय में उन्होंने घर बनाए हैं, तो इसमें काफी लीनियंट व्यू अपनाते हुए ये निर्णय लिया गया है कि ठीक है इनके भवनों को नक्शे के पास किए जाएं ताकि इनका अच्छे से जो रहने का जो जो, जो इनके सामने दिक्कतें आ रही हैं वो दूर हो जाएं और कालांतर में जो हमारी महायोजना बनेगी तो उस महायोजना में इस लैंड यूज को आवासीय में भेज दिया जाए। तो आज काफी प्रकरण निस्तारित हुए हैं। साथ ही साथ कुछ इश्यूज ऐसे भी हैं जो अभी शासन के स्तर पर पेंडिंग हैं, तो मैंने उपाध्यक्ष जो है बोर्ड के डीएम पौड़ी को बता दिया है कि कल ये सारे इश्यूज एक फोल्डर बना के मुझे दे दें, इसका जाकर मैं वहां निस्तारण कराऊंगा। सर बाल सिंह तो ठीक है, धुमाकोट वाला जो आपने भेजा है वो मूल प्रपोजल, उसकी भी कॉपी हमको आप दे दीजिए। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।